was a train from Mangalore to Madgaon. Goa. And fully empty train. I was sleeping in this whole seat. And this guy was disturbing me. And now we are at Madgaon. Oh, yeah. Excitement level. Like never before. Like never before. We are going to Anjuna Beach. We are precious friends of there. Later in Europe. तो हम लोग वापस स्टेशन पे सो रहे थे रात को, क्योंकि हम लोग 12 एक बजे पहुंच गए थे कुछ तो भी, और सुबह तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने के लिए. तो हम लोग स्टेशन पे सो गए थे और मेरे सर के पीछे मैं एक बैग डाल के सोया था जो मेरी खुद की बैग थी रेड कलर की. तो कुछ बंदे वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये बंदा सो रहा है, मतलब ये इन्होंने मुझे बाद में बताया कि ऐसा हुआ था. तो फिर उसने ना मेरा ऐसा बैग निकालने की ट्राई किया सर, मेरे सर के नीचे से. तो मेरा ऐसा झटका लगा तो देखा तो कोई बंदा चोर ऐसा लेके भाग रहा था. तो वो टाइम पे सोनिया काम में आया कि वो दिखता था वो हट्टा कट्टा और ऊपर से उसने टकला किया था तिरुपति में. तो उसके टकले ने कमाल कर दिया. तो उसने जो उसको लगा क्या कर रहा है, तो वो बच्चा वैसे बैग डाल के फूफ भाग गया. और वो टाइम पे अगर हम तीनों सो रहे होते ना, वो बैग पक्का बैग तो चला जाता. हाँ तो कुछ ये चीजें ध्यान रखने की होती है कि अपना सामान और सो मत स्टेशन पे, मोस्टली जहाँ पे अकेले हम कोने में जाके सो रहे थे. ऐसा नहीं करना हम लोग पागल थे वो टाइम पे, लेकिन ठीक है. अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है. तो इसके बाद हम लोग गए फिर गोवा. गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली वी आर इन गोवा. हम लोग पहले उतरे गोवा के बीच पे, सॉरी बड़गांव के बड़गांव. फिर उसके बाद हमने ट्रेन ली सुबह 5 बजे. हम लोग स्टेशन पे सोए रात को, हम लोग 10 बजे यहाँ पे पहुँचे. काला आ रहा. फिर हमने रेलवे स्टेशन पे रात गुजारी. फिर उसके बाद हम लोग हमने सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ी जो हमको लेके आई मड़गांव, सॉरी इन शॉर्ट क्या कंफ्यूज है यार, कलंगो से हम अनुजा जा रहे अंजुना बीच जा रहे. और हमने बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया. हाँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और ये मेरे को बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है. हम लोग तीनों ने लिफ्ट लेने का सोचा था और वो भी 2-व्हीलर के साथ. तो प्रिंस पता नहीं कहाँ है, शायद वो आगे चला गया है और मैं बीच में खड़ा हूँ और सोनिया को शायद लिफ्ट नहीं मिली है. उसको मिली थी लेकिन वो पीछे रह गए. तो अभी जब सोनिया आएगा लगता है वो पैदल ही आ रहा है, उसको कोई मिल ही नहीं रहा है क्योंकि सिंगल लोग काफ़ी जा रहे हैं और उसको किसी ने लिफ्ट दी नहीं है. तो मैं वेट कर रहा हूँ सोनिया का, जब सोनिया यहाँ पर आएगा फिर मैं उसको लिफ्ट लेके उसको पहले बिठाऊंगा, बोलेगा तू आगे जा फिर मैं पीछे से आऊँगा. यहाँ से थोड़ा सा दूर है अंजुना जहाँ पर हमको पहुँचना है, जहाँ पर लेता और यूरा वेट कर रहे. तो गोवा में ऐसा हुआ था कि लोगों को ना गोवा का सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि गोवा में जाने के बाद बहुत खर्चा लगता है. और एक तो हमारे पास पैसे है ही नहीं, लेकिन हमारे पास दिमाग है. तो इंडिया टूर पे जाने से पहले कुछ 8-10 दिन पहले मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए थे जो रशियन थे, लेता और यूरा. हाय, वी मेट यूरा अगेन. यूरा इज यस. यस आई क्राइड. She is making omelette for us with spice now because Russian people don't eat spice. We don't have spice in any way, yes. I'm shocked. They have spicy. Yeah, हम लोग चटनी साथ में ले गए हैं. तो हमने तो पहले उनके अच्छी खासी दोस्ती कर ली और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद भाई ने उनसे कॉन्टेक्ट भी कर लिया. यस, इन शॉर्ट समझो कि गोवा हो गया फ्री में. और वो भी उन्होंने हमारा पूरा खर्चा किया. एक तो हम फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे थे, सेकंड हमारे पास पैसे नहीं थे और तीसरा हम लोगों का खर्चा फॉरेनर्स ने किया था. वी आर गोइंग, इट्स 5:30 इन द इवनिंग एंड वी आर गोइंग टू अंजुना बीच फॉर स्विमिंग वंस अगेन. हमने सुबह भी किया था और हम लोग आने के बाद थक के सो गए थे.
You love tomatoes? Yeah, I like tomatoes. My husband likes more cucumber. And he loves cucumber. I like cucumber. He likes cucumber and he likes cucumber. I love mayonnaise. Okay, I think it's not too tasty, mayonnaise and railroad. They're making food for us and we're gonna have the noodles today. The Russian noodles, I think. अभी हमारा वक्त हो गया था घर वापसी का तो हमने फिर पणजी से ट्रेन पकड़ी मुंबई तक और मुंबई से ट्रेन पकड़ी औरंगाबाद तक. अभी हम लोग बस के अंदर हैं, हमको जाना है. टाइम टू गो टू वन टाउन. पहले तो हम मापुसा से जा रहे हैं. मापुसा से पणजी, पणजी से मडगाव, मडगाव से मुंबई, मुंबई से औरंगाबाद. तो हमारा गोवा खत्म हुआ था रेलवे स्टेशन में. हाँ, कैसे? क्योंकि जब हम लोग ट्रेन में थे और हमको अचानक से डब्बे के अंदर मराठी सुनाई दी और जैसे मराठी कान पे पड़ी ना, घर वाली फीलिंग, अचानक से ऐसा लगा घर पहुंच गया महाराष्ट्र. फाइनली हम लोग पहुंच गए वापस औरंगाबाद. बस खुशी है, बोल बोल की ताकत नहीं है, बस खुशी है. कुछ सुनोगे? वी आर होम, वी आर होम, वी आर होम. चलो लेट्स गो, लेट्स गो. वो अंकल देख रहे काका, असं करा सर, असं करा. फायनली कोणीतरी भेटला आम्हाला जे रिस्पॉन्स दिला. चलो आता आम्ही जातो घरी, बाय बाय. पहले तो हमने ये सीखा कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है, जितने बुरे लोग हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं. और इंडिया में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, बाय ट्रेन, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस हो या कुछ हो, बहुत सस्ते में. ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने सीखी है. और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको हर जगह जुगाड़ लगाना होता है, आपको खाने का जुगाड़, रहने का जुगाड़, अगर आप सस्ते में घूमना हो, चीपेस्ट. और एक चीज़, हमने YouTube पे काफ़ी कमेंट्स पढ़े, जैसे कि ये जर्नी 3 साल पहले थी, काफ़ी लोगों को पता होगा या फिर काफ़ी लोगों को पता नहीं भी होगा, लेकिन ये जर्नी 3 साल पहले हो चुकी है और अभी हम इसको एंड में कंक्लूजन शूट करें. लेकिन लोगों के जो कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे उसमें आ रहा है कि हम लोग निकलना चाहते हैं, हम लोग भी ऐसे करेंगे, हम लोग आज ही निकल रहे हैं, ऐसा वैसा. तो गाइज, हम लोग एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि कुछ भी करोगे तो प्लान के साथ करना. विदाउट प्लान कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती है. हम लोगों ने भी अच्छा खासा प्लान किया था. जब भी हम जर्नी पे थे हम लोग प्लान करते थे कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे, फिर वहाँ से आगे कैसे जाएंगे. ये सब चीज़ें प्लान के साथ हुई है. तो विदाउट प्लान कुछ भी नहीं करना, ठीक है? एक और इसमें ऐड करूँगा कि अगर आप जब कहीं ट्रैवल करते हो ना,
तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर सबके ले लो, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाते हो ना आपको बंदा बहुत काम का आता है। अभी लाइक हमारे कॉन्टैक्ट अभी ऑलमोस्ट हर जगह पे, पूरे इंडिया में आज भी लोगों के मैसेजेस आते हैं वृंदावन से मोस्टली। हाँ, हर जगह से आते हैं मोस्टली। और मैंने ये चीज़ सीखी है कि जिंदगी में ना कोई भी सिचुएशन है, कभी भी हारना नहीं है, सिचुएशन को जीतना है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम लोगों ने इतनी चीज़ें फेस कर ली ना, तो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ गए ना, तो पता नहीं लाइफ में कभी ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे जहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग कभी रुकेंगे, लोग चलते रहेंगे, और यही तो लाइफ का अल्टीमेट लेसन। टाइमीप ने लड़ना सिखाया, एक्चुअली लड़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। यस, तो यहीं पे हम लोग आज साइन आउट कर रहे हैं। प्रिंस अनिकेत, दैट्स ऑल। टाइमीप, यहाँ तक जो सफ़र था बहुत मज़ा आया, वो आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और जल्दी हम सोचेंगे, करेंगे कुछ नया करने का, कुछ लेके आएंगे जरूर, पक्का, फॉर श्योर, डेफिनेटली फॉर श्योर। और तब तक प्रिंस के बाल भी स्ट्रेट हो चुके होंगे, और इसके कर्ली, और मेरे कर्ली हो चुके होंगे, तो शायद वाइट दाढ़ी आ गई हो, हाँ हो सकता। जिंदगी ट्रैवल है और लाइफ टाइम ट्रैवल ही करेगी, तो करते रहो। सी यू गाइस इन टाइम में भी पार्ट टू, मे बी सी यू, बाय। Not in the car, hey.